पटना साहिब क्षेत्र में आ गए बाबा, हम अपने घर पहुंच गए, नीतीश के घर से निकले और अपने घर आ गए। पटना साहिब की जनता से हम अपन दुख व्यक्त कर ली। जी जी जी, एक खाली पेट फिर पटना साहिब के जनता से हमारा बड़ी दुख के साथ कहे के पड़ता है कि रुआ लोग वोट नहीं देते सरकार जी। अब कहली फिर रिकॉर्ड रुआ लोग ब्रेक कर देनी अपने रिकॉर्ड जी, पिछला हाली से भी कम वोट करके का है, लोकतंत्र के बचावे के बानू, राजधानी के लोग हैं रुआ महाराज, आ तब भी वोट इतना कम आवे में दू दू गो दिग्गज खड़ा बढ़ान, एगो मंत्री खड़ा बढ़ान और एगो बिहारी बाबू खड़ा बढ़ान। ये वो होता क्या है कि शहर के लोगों को आदत हो जाती है, वो देखते हैं टीवी में परिस्थिति में, उनको लगता है कि सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं है, सांसद बदलने से कोई फायदा नहीं है, इस तरह का मतलब ज़्यादा पढ़ लिखने से भी तो गड़बड़ होता है बाबा, ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं लोग, लोग बाहर रहते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हों, बहुत सारे लोग का जीवन बदल भी गया है, तो अब राजनीति में विश्वास ही नहीं रह गया है। बाकी लोगों को बाबा ये बताना पड़ेगा ना कि राजनीति में आप विश्वास रखिए ना कि राजनीति को आप में विश्वास है, आप इंटरेस्ट लीजिए ना राजनीति में, लेकिन राजनीति को आप में इंटरेस्ट है, पग पग में है, पल पल में है और हमेशा रहेगी। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप कहाँ सोते हैं, किसके साथ सोते हैं, आप कब उठते हैं, किसके साथ उठते हैं और उठने के बाद आप क्या सोचते हैं, इस पर भी पाबंदी राजनीति और राजनीति के करते हैं। जब वंदे मातरम बोलो, बीफ मत खाओ, ये कपड़े मत पहनो, ग्रीन टी शर्ट मत पहनो, ग्रीन झंडा मत फहराओ, रात में लेट मत निकलो, दारू मत पियो, उसके अलावा बहुत कुछ मैं बोलता जाऊंगा तो अंतहीन लिस्ट है। इस तरह की फिल्में मत देखो, उस तरह की फिल्में देखो, इस तरह की बातें मन में रखो, इस तरह की बातें मत रखो, फटा कपड़ा मत पहनो, सरकार की छवि खराब होती है, कहीं पेशाब मत करो, बाथरूम भले ना हो अंदर ही पेशाब कर लो, बाकी बाहर पेशाब मत करो, इससे छवि खराब होती है, शौचालय नहीं बनवाएंगे पूरे पटना को सजाएंगे, कभी भी गरीबों के थाली तक रोटी नहीं पहुंचाएंगे, मगर चुनाव में 500 करोड़ रुपया खर्चा करके अपनी छवि चमकाएंगे, ये इस प्रदेश का दुख है, दर्द है, मगर क्या करें, ना नेता समझते हैं ना जनता समझते हैं। पुराना दर्द हमारे उभार दिला तू, शराबबंदी सबको की याद हुई, शराबबंदी में सबसे पहला शख्स ही जौन बिहार में सबसे बड़ा विरोध कैले रही, 40 गो मीडिया हमारे सामने आई रहे, मतलब बात रहे। जिसकी वजह से शराब बिहार में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी के, हम तो ईमान तानी कि पूर्ण शराबबंदी, मुझे लगता है बाबा ये स्टेटमेंट देने के बाद अपने लगता है कि यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर खोएंगे और साथ में साथ 20,000 अपने फॉलोअर खोएंगे, वो तो अलग बात बढ़ू है, लेकिन सीधा सीधा बात बढ़ू है कि शराबबंदी के बाद कई गो हमारे दुश्मन हो गई, शराबबंदी तो लागू हो गई, कई गो दुश्मन हो गई और शराबबंदी भी ना भइल। बताइए बाबा, आप करते हैं शराबबंदी और नीतीश जी गाली सुनते हैं, आप ही से रूठ कर शत्रुघ्न सिन्हा बागी ने न हो गए, अब का कहीं हमारा से तो बागी नीतीशो जी हो गई बड़ा जी। शराब बाबा का पॉलिसी मिस्टेक है, नीतीश कुमार की गलती नहीं है, बाबा ने शराबबंदी लागू कराया, शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं हुई बाबा, ये आपका पॉलिसी पैरालिसिस है, तथ्यहीन नहीं होते हैं। पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, दो बार कांग्रेस को हराया है, तीसरी बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक और कैंडिडेट है रविशंकर प्रसाद जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लॉ टेलीकॉम बहुत कुछ संभाल चुके हैं, लॉ टेलीकॉम संभाल लिए बाबा, पटना साहिब को संभाल पाएंगे, मौका मिलेगा संभालने का। लाला जी और ग्वाला जी याद बता रहा गई रह तू ही नहीं जनता से मिले खाती, लाला जी या ग्वाला जी एमें दो तरह के फैक्टर काम करते रहे, कोई खुल के सामने निकल के कहले रहने कि गुप्त मतदान होला जी जी, अभी गुप्त मतदान बहुत कुछ कहता, हालांकि एगो बात जरूर कहो कि कांग्रेस बैक हो जा, देश के सबसे पुरान पार्टी है, वह पुरनिया कहा तरह लोटा में कस के लोग ले जाते रहे जी, कोनो फंक्शन होते रहे, कोनो ब्याह शादी होके तो लोटा में कस के लोग ले जाते रहे, झापी में कस के ले जाते रहे, बक्सा में कस के ले जाते रहे कि एगो पुरनिया चाहिए हो जा जी, तो देश के पुरनिया पार्टी कांग्रेस बढ़ुए, और लेकिन जौन शत्रुघ्न सिन्हा के साथे कई लोग जौना तरीका के प्रचार तंत्र रहल हा बड़ी कमजोर रहल हा, लेकिन ओकरा बावजूद भी लाला जी लोग दुखे में बट गई, ग्वाला जी लोग सीधा सीधा चाहे जितना समझा ले केहू वो महागठबंधन के यानी जहाँ लालू प्रसाद के परिवार रही वो जज, मतलब देखिए मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, बाबा सही बोला, ये पहली बार होगा कि किसी शहरी क्षेत्र से नॉन भाजपा कैंडिडेट जीतेगा चुनाव बिहार में, एकदम बिल्कुल पटना साहिब में रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, विधानसभा की बात कर रहा था, 4-4 को विधानसभा भाजपा के हाथ में बा जी, फिर भी अब ये सी वोटर चाणक के ABCD वोटर DC BC वोटर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से आर के सिन्हा के कोई जाके उनका से सर्वे करवाओ कि क्या जीता था, आर के सिन्हा बेहतर बता दिए, उनका समर्थन बता दिए, जोन पिटाइले जोन जिनका के जम के पीटल भाजपा के लोग, भाजपा के लोग के पीटल, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा जीत रहे हैं और बाकी सभी खामोश हो जाएंगे, क्यों,
क्योंकि मुझे लगता है स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े स्टार प्रचारक शत्रुघ्न सिन्हा ही हैं, और वो खुद ये बात मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने इतना क्षेत्र में जाना जरूरी समझा, ना पार्टी को अपने जरूरी समझा, और मेरे तरफ माइक कर दिया, ना पार्टी को जरूरी समझा, और ना ही उन्होंने ये जरूरी समझा कि वो क्षेत्र की जनता से आके वोट मांगे। इस क्षेत्र में रविशंकर घूमते रहे हैं मगर लोगों ने उन्हें नकार दिया है, और पटना साहिब में कई क्षेत्रों में शत्रुघ्न सिन्हा गए भी नहीं, अपनी पत्नी को भेज दिए और फिर भी वो चुनाव जीत रहे हैं। आकर शत्रुघ्न सिन्हा कहना बोल रहे कि हम काहे खातिर प्रचार कर जाइए, हम तो बिहार के पटना साहिब के हैं। उनकर पत्नी कहली कि जब 2014 में मोदी के इतना बड़ा लहर रहे जी, तब तो हराइए ना पौले आ जिताइए ना पौले, 300 सीट से ऊपर गई ना गई, तो अब क्या करी है बाबा। यहाँ से अगर शत्रुघ्न सिन्हा जीत जाते हैं तो अमित शाह की नाक कट जाएगी, बहुत लोग के नाक कटी, शत्रुघ्न सिन्हा कैसे, अमित शाह के कैसे कटी, नीतीश कुमार के, श्याम को कह देना कि शाह आया था, कह दी अब के लिए हो गई, छेनू 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 आया था, छेनू आया, खामोश खामोश अंतिम तक ले कहले आया कि हमारा के खामोश कराया वाला खुद खामोश हो जाएगी। तो यहाँ से पहली बार भाजपा खामोश होगी, इसलिए क्योंकि भाजपा के पास एबल कैंडिडेट नहीं मिला। शत्रुघ्न सिन्हा की रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर प्रसाद बीजेपी आ गए, शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर सिंह, हर हर मोदी, शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, पटना को कौन नहीं कहेगा कि विकास हुआ है, ये राजेंद्र नगर में भूत लौटता था, देखिए भूत लौटता था, इसको कौन रोकेगा। पांच साल में मोदी कुछ नहीं काम किए, सबसे पहले तो जवान तो शत्रुघ्न जी साथ में ही थे, उनके साथ में थे ना, तो उनका विचार गलत था इसलिए उनसे छोड़ दिए। नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरे के वोट के देवे जा रहा है, जो भरोसा क्या, जिसको हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं तो हिंदुस्तान के आदमी को उन पर भरोसा क्यों। राहुल गांधी को हिंदुस्तान में भरोसा नहीं, राहुल गांधी को हिंदुस्तान में भरोसा नहीं, क्या भरोसा, कैसे भरोसा, कौन है बाबा अभी तो वर्तमान में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न सिन्हा जी के कार्य को देखे हैं आप, काम देख रहे हैं उनका, काम क्या देखेंगे, अरे देखिए एक के बात है कि नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा, न रविशंकर को दे रहा, न उनको दे रहा, न उनको दे रहा, किसी को नहीं दे रहा। शत्रुघ्न सिन्हा तो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे लगातार, तो गाली दे रहे हैं तो अपने भोगेंगे, देखेंगे क्या होगा, वो तो भगवान जानेगा। दो बार उनको आप लोग जिता दिए यहाँ से, तो जीते आ रहे हैं, तो लोकेशन सेम डिफरेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होनी जानी है, हम लोग उनके क्षेत्र के नहीं है, हम लोग पटना आते हैं, हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, हाँ नालंदा से पटना आते जाते हैं। पटना में कुछ विकास कार्य आपको दिखता है, पटना को कौन नहीं कहेगा कि विकास हुआ है, ये राजेंद्र नगर में भूत लौटता था, देखिए या भूत लौटता था, इसको कौन रोकेगा, विकास हुआ है यही मानी। इस बार फिर नरेंद्र मोदी को ही वोट देना, इस बार तो नरेंद्र मोदी छोड़ के दूसरे के वोट के देवे जा रहा है, जो क्यों लगता है लोग कह रहे 70 साल से काम कर रही है कांग्रेस, 70 साल से काम कर रही कांग्रेस के जो लोग महापुरुष थे वो लोग तो मर के चले गए, अब जो बच रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस राहुल गांधी भरोसा नहीं हुए हैं, भरोसा क्या, जिसको हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं तो हिंदुस्तान के आदमी को उन पर भरोसा क्या। राहुल गांधी को हिंदुस्तान में भरोसा नहीं, राहुल गांधी को हिंदुस्तान में भरोसा नहीं, क्या भरोसा, कैसे भरोसा, अभी तो रहे इस बार न्याय करेंगे, वो न्याय क्या करेंगे, कुछ होने 72,000 देंगे, एक आदमी को 72,000 देने में देश का पूरा टुकड़ा बिक जाएगा, एक आदमी को 72,000 मोदी जी तो 15 लाख देंगे, नहीं जी वो तो 2,000 कहा, 2,000 कहे थे, वो 2,000 कहा, मिला 2,000, वो कभी नहीं कहा है कि हम आपको 15 लाख देंगे, मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख देंगे, आप बताइए, नहीं मोदी जी ने ये कहा था कि जो काला धन है अगर उसको वापस लाया जाए और जनता के बीच में बांटा जाए तो 15 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बोल रहा है नहीं सही नहीं बोल रहे हैं, 15 लाख देने जी हाँ बोले थे 15 लाख रुपया देंगे, हाँ एकदम बोले थे, एकदम बोले, बिल्कुल नहीं बोले थे, बोले थे विदेशी जमात जो काला धन है अगर वो आ जाए। मोदी जी ने कहा था कि जो विदेशों में जो काला धन है वो अगर इंडिया में आती है तो इतना पैसा बाहर गया है कि एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। एक बात ये कहा था, पांच ठीक है आपकी बात मैं मान गया, क्या 15 लाख वापस आए हैं, हमें 15 लाख क्या जो काला धन थे वापस आ गए, लगता तो नहीं है, नहीं ऐसी कोई कल जो काला धन वापस आया है अजहर पर, सर सुन लीजिए, जो कल मसूद अजहर पर
मोदी जी के चलते अंतरंग 2009 से 2009 में रक्षा मंत्रालय खुद ट्वीट किया है और कहा कि 2009 से हमने ये शुरुआत कर चुकी थी। 2009 में किसकी सरकार? नहीं नहीं 2009 उस समय चाइना पर सर मोदी जी के चलते ही प्रेशर पड़ा। क्या लगता है मोदी जी की वजह हुआ है? मोदी जी की वजह से भी हुआ है। 2009 के समय ही रक्षा मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया था जो मसला। देखिए दोनों के पहल से इसमें तो दोनों का योगदान माना जाएगा। एक बात मुझे बताइए, काला धन वापस आ गया है? आपने कहा कि मोदी जी ने काला धन वापस लेके आएंगे। हम भारतीयों को बढ़िया बिजली चाहिए, रोड चाहिए, सुरक्षा का माहौल चाहिए, बाकी हम लोग सब व्यवस्था अपना बिजली बना लेंगे। सड़क और रोड मिल रहा है? मिल नहीं रहा है सर। देखिए ना बिहार, बात मुझे बताइए, बोली सड़क रोड के अलावा रोजगार आपको नहीं चाहिए? रोजगार मिले, रोजगार चाहिए ना सर, रोजगार चाहिए हमको। आज हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, सरकार बहाली नहीं कर रही है, इसके चलते हम लोग आज बेरोजगार है।